खातवानी कमीशन के जम्मू भी 6 और कश्मीर सूबे भी 1 असैम्बली नशस्त के क्याम की तजवीज़ अगे आने के बाद लगातार इस तरह सियासी जमातों तय लीडर की तरफ रद्द अमल अगे आ रहा है। गुपकार इतिहाद खामिया की तरफ 1 जनवरी 2022 को इस तजवीज़ के खिलाफ हड़ताल करे के ऐलान के बाद और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सुन भी खामोश एहतजाज करे का फैसला किया है। श्रीनगर में अज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी सुन आख्या कि कमीशन की इस तजवीज़ के खिलाफ अपनी पार्टी इस महीने की 29 तारीख को खामोश एहतजाज कर सी। पार्टी हैज डिसाइडेड कि हम एक साइलेंट मार्च, ब्लैक पट्टियां लगाकर एक साइलेंट मार्च एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस ड्राफ्ट प्रपोजल 29 तारीख को करेगी। वी हैड टू पोस्टपोन इट बाय टू डेज because 27th and 28th happens to be snow prediction. Media ko hum batayenge kahan par hoga. It will be a non-violent thing only to show that hamari awaazein band ki gayi hain aur shayad hum fourth pillar of democracy ke liye bhi us din ye protest kar rahe hain jab hum muh apne band black pattiyon se kar rahe hain ki आप लोगों की जबानें भी बंद की गई हैं। महकमे मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक वादी कश्मीर के उच्चे इलाकों में बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिश हुई। इतलात मिली है कि अज सुबह तिकर कुछ इलाकों में 5 इंच बर्फ जमी। इसी दौरान श्रीनगर में महकमे मौसमियात के इंचार्ज सोनम लोटस का आखना है कि इस महीने की 26 और 27 तारीख को वादी के मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी होने का इम्कान है। महकमे जंगलात में मुलाजमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों का एक वफद आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में जमा होया और पुरजोर एहतजाज कर लग्या। उनका मुतालबा था कि अदालत आलिया के अहकाम अमलावरी को यकीनी बनाया जुलै और महकमे में बढ़ती अमल को तेज किए जुलै। देखिये, मेरा नाम मीर हुसैन है और यहाँ पे हम आज जो है फॉरेस्ट एस्पिरेंट है जो डिफरेंट नोटिफिकेशन में उन्होंने फॉर्म भरा है 2010-13 और इसमें 2004 के भी कुछ कैंडिडेट हैं और अब जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जेके एसएसआरबी को इसमें रिक्रूटमेंट करनी थी, अब नहीं कर पा रहे। 11 साल से जो है इसमें कोर्ट से था, हमने वैकेट करवाया, हमारा पैसा गया, हमारा वक्त भी गया। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये हमें बता रहा है कि हम इसको रीएडवर्टाइज कराना चाहते हैं। इसका मेजरमेंट भी हुआ था, इसका सिलेबस भी निकाला गया है। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करा रहा है कि वो अब इसको रीएडवर्टाइज कराना चाहता है और अपने ब्लू एड कैंडिडेट को इसमें शामिल करवाना चाहते हैं। हम एलजी साहब से गुजारिश करना चाहते हैं, अगर 11 साल के बाद भी कोर्ट ऑर्डर के पास जजमेंट हमारे पास है कि आप इसको स्क्रीनिंग के लिए जाएं, आप इस रिक्रूटमेंट को आगे ले जाएं, तो कौन सा प्रोसेस आपको आप डिले करा रहा है क्या? महकमे समाजी बहबूद बे सुपरवाइजर नाल काम कर रही हेल्परां सुन श्रीनगर में अपनी बरतरफी के फैसले के खिलाफ अजे एक बार फिर एहतजाज किया। याद रवे कि उनकी बरतरफी को हूँ 4 महीने होने लगे और ये लगातार इस फैसले को वापस के दे वास्ते मुतालबा कर रही हैं। श्रीनगर में अज एक बार फिर इन्होंने सुन एहतजाज करते हुए हुकाम की अपील की कि इस फैसले को वापस के दे जुलै। जी, हम ICDS डिपार्टमेंट से हैं, हम हेल्पर टू सुपरवाइजर्स हैं। हम इसमें 918 लड़कियां काम करती थी और 918 लड़कियों को डिसंगेज कर दिया गया और ख़ासकर ये कि हमारी 3 साल से तनख्वाह भी बंद है। हम इनसे बोल रहे थे, 3 साल से हम यहाँ पे कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो बारिश भी है, मतलब जैसे भी हालात हुए, इसमें कोविड भी हुआ तो उस दौरान भी हम एक प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं कि हमारा जो ये मसला है वो हल कर दिया जाए। हमने इनके पाँव भी पकड़े, हमने इनके हाथ भी जोड़े, उसके बाद हमें अदालत का रुख करना पड़ा और हमने किया भी, और वो भी डिसंगेज ऑर्डर से पहले। डिसंगेज ऑर्डर से पहले हमने जो ये अदालत का रुख किया तब भी उन्होंने नहीं माना। जो हमारी फर्स्ट पिटीशन थी वो ये थी, कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इनको कंटिन्यू करो और इनकी तनख्वाह वागुजार कर दो, ये भी नहीं मानी। फिर हमने सेकंड पिटीशन की तो ये भी नहीं मानी। अब ये हो गया है, 2 हफ्ते इन्होंने कोर्ट में दे दिए हैं, 3 पिटीशन हमने की हैं और उन्होंने बोला है कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर इनकी वेजेस क्लियर कर दो और ख़ासकर इनकी जो पोस्ट हैं इनको अपनी अपनी ड्यूटीज़ पे वापस बुला लो और इनको कंटिन्यू करो, लेकिन उन्होंने किया काम, 2 हफ्तों से कोई जवाब नहीं आ रहा है।
वादी कश्मीर के श्रीनगर में तकरीबन 30 साल बाद 120 साल पुराने सेंट ल्यूकियस गिरजाघर में एक बार फिर घंटियां बजियां। जी हां नाजरीन, क्रिसमस की एन कबल त्रै दहाइयों के बाद इस चर्च को खोले गया। माय नेम इज आर्किटेक्ट मेरी जान। सो ये जो हमारा चर्च है सेंट ल्यूक्स विच इज़ इन डल गेट, ये आफ्टर ऑलमोस्ट 30 ईयर्स के बाद खुला है, जैसे 3 decades। तो इट्स बीन अ चैलेंजिंग प्रोसेस कि टू ब्रिंग इट बैक टू इट्स द ओरिजिनल ग्लोरी। एज यू कैन सी अराउंड, इट हैज़ बीन ब्यूटिफुली रिस्टोर्ड बाई स्मार्ट सिटी एंड टूरिज्म। मुश्किल का सामना तो करना पड़ा ही है, बट इसके बाद में ये खुशी ये है कि आफ्टर इतना हार्डवर्क वी आर एबल टू गिव दिस ब्यूटिफुल पीस ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस विच हैज़ बीन लाइक अ ड्रीम, और ये हमने टाइमली कम्प्लीट किया हुआ है ताकि क्रिसमस के दिन वी शुड बी एबल टू गिव दिस गिफ्ट टू द कम्युनिटी। ये काफ़ी पुराना है, इसका स्टाइल डिफरेंट है, बट वी हैव बीन एबल टू रिस्टोर इट ड्यू टू हमारे पास एक्सपर्टीज़ है, हमारे पास गाइडेंस अच्छे लोगों की है, एंड वी गॉट गुड सपोर्ट फ्रॉम पीपल एंड अराउंड, सो वी वर एबल टू डू अ गुड जॉब विद इट। जी मैं आर्किटेक्ट हूँ श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में। तो ये हमने इनिशिएटिव लिया है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द चर्च। तो बेसिकली कंजर्वेशन इट्स डिफरेंट फ्रॉम द रेस्टोरेशन। बेसिकली कंजर्वेशन में ये होता है कि जो किसी भी बिल्डिंग में जो मटेरियल्स यूज़ हुए होते हैं उस टाइम पर, तो उसमें फोकस रहता है कि आप उन्हीं मटेरियल्स पर फोकस करो, नए मटेरियल्स एडअप मत करो उसमें। तो काफ़ी डिफिकल्ट रहा। और बेसिकली दिस प्रोजेक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड बाई एग्जीक्यूटिव बाई डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म विद द हेल्प ऑफ इंटेक एज वेल। इट्स बीन अ चैलेंजिंग जर्नी फ्रॉम फॉर देम एज वेल। उधर मेंढर में सोमू ड्राइवर सुन जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। उनका इल्जाम आसा जी सब डिवीजन मेंढर की सड़कों की हालत इतनी खराब है कि गड्डिया तक दूर पैदल टुरना भी मुश्किल हो गया है। सोमू यूनियन के सदर कफील अहमद खान के मुताबिक सड़कों की हालत सुन ड्राइवर का लक पान छुड़िया है, और नाल रही की कसर जी है वह रेड क्रॉस की पर्ची कट रही है। रेड क्रॉस एंट्री बंद करो, रेड क्रॉस एंट्री बंद करो, ड्राइवर को लूट घसूट करना बंद करो, ड्राइवर को लूट घसूट करना। नोइस सेना साहब मुड़ना चाहते हैं। देखिए आज हमारा यहाँ पर रोड पे आने का मकसद है कि इससे पहले कबल कई बार ये मसले हो चुके हैं, हमने एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया को अवेयर किया है कि हमारे ये जितने भी ट्रांसपोर्टर भाई हैं इनके साथ जो है नाइंसाफी जो है ये बंद की जाए। उसकी कबल भी इन्होंने जो है ये लूट घसूट जो है डीसी पुंछ जो हैं इनकी नॉलेज में ये लूट घसूट इन्होंने नहीं छोड़ी है। देखिए ये रेड क्रॉस एंट्री हैं, 13 को भी रेड क्रॉस एंट्री होती है, 14 को भी रेड क्रॉस एंट्री होती है, 15 को भी होती है, और 17 को भी होती है। लगातार एक गाड़ी को जो है 4 बार चलान किया जाता है, लगातार ये किया जाता है। इसलिए हमारी इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट है, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पिछले दिनों में कैसान रोडों पे आए आंदोलन हुआ, आज जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट हैं इनका जो है तेल का खर्चा नहीं पूरा हो सकता, इनका घर का खर्चा नहीं, ये अपने बाल बच्चों का खर्चा नहीं पूरा कर सकते। तो इसलिए मैं ये इंतज़ामिया से कहना चाहता हूँ कि अगर डीसी रजौरी या एसएसपी रजौरी ट्रांसफ़र हो सकता है, एसएसपी पुंछ ट्रांसफ़र हो सकता है, क्या डीसी पुंछ ट्रांसफ़र नहीं हो सकता? क्या ये इन्होंने सामने सामने डीसी पुंछ साहब ने जो है लूट घसूट मचवाई हुई है, और पूरी इंतजामिया जो है इस पर क्लियर जो है ये कह सकती है, यही बात है भाइयों। डीसी पुंछ ने क्लियर बार हमने कई बार हमने कहा रिक्वेस्ट की कि सर ये रेड क्रॉस एंट्री बंद की जाए। मैं गड्डी 5-6 नाके डेली सारी लगने, और अगर पर्ची उन्हें दसने रेड क्रॉस ने पर्ची दसने आने 3 दिन पहली है तो 200 नहीं था फाड़ी छोड़ने। सर अगर 3 दिन बाद 200 रुपया दे सकता, 6 नाके लगने अगर 3 दिन बाद तो आस क्या खासा बालकें क्या देसा आस क्या खासा, और बालाकोट रोड की हालत क्या है वो पता है सर। और जैसा कफील होने फोन किया सर कि 2 महीने हुई इन्होंने ये ड्रामा चलना सर। सर असली यह है अगर असली तरफों अगर तुम गड्डी ने कागज डॉक्यूमेंट नहीं है चलान करन सर, उस गड्डी की सीज करन, प्राइवेट गड्डियां चलनी होनी सीज करन, असने डॉक्यूमेंट चेक करन, अगर साढ़े को ओवरलोड सवारी है असने चलान करन। असने इंतजामिया के एस टी पी साहब यही है सारा अपील करने कि असने इंसाफ किया जाए और असने ये पर्चियां बंद की जाए रेड क्रॉस ने सर। तो फिर नाजीन आज की खबरों में इतना ही, इजाजत के दे थी पहले तुसों को दसते चलना जे पार्टी खबरों के बुलेटिन यूट्यूब चैनल के नाल अस्ते फेसबुक सफ़े ते भी दस्तियाब है। इस ही अज के बुलेटिन थी अपने मेज़बान सुबैर कुरेशी को दियो इजाजत। बो अल्लाह दे वाले।